मंडी लगाकर करोड़ों रुपए का प्रलोभन देकर सत्ता का दबाव दिखाकर कभी कभी फ्लैट्स की देने की व्याख्या करके कांग्रेस और जेडी की चुनी हुई सरकार को गिराने का भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है। हम इसकी कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। कांग्रेस और जनता दल की साझा सरकार कर्नाटक में आज भी बनी है। आप सत्ता का प्रलोभन देकर रुपया पैसे की खरीद फरोख्त करके प्रजातंत्र की मंडी लगाकर विधायकों को पर दबाव डालकर आप उनको बेचने और खरीदने की कोशिश कर सकते हैं भाजपा के साथियों, परंतु आप प्रजातंत्र के साथ इस प्रकार का नंगा नाच नहीं कर सकते। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने 12 ऐसे प्रांत हैं अब जहां चुनी हुई सरकारों को विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त से गिराने का प्रयास किया गया। ये शुरुआत अरुणाचल प्रदेश में हुई, फिर असम में हुई, मणिपुर में हुई, त्रिपुरा में हुई, गोवा में हुई, उत्तराखंड और गुजरात में हुई, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में हुई, तेलंगाना में हुई, हरियाणा में हुई, महाराष्ट्र में हुई, यहाँ तक कि बंगाल के बारे में तो खुद प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि 30 चुने हुए विधायक वहां से इस्तीफा देना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि अगर देश के प्रधानमंत्री ही आया राम गया राम, विधायकों के दल बदल का प्रतिबिंब बन जाएंगे, तौर तरीका बन जाएंगे, तो देश में प्रजातंत्र और संविधान की सुरक्षा करेगा कौन? अगर रक्षक भक्षक बन जाएंगे, अगर संविधान के प्रहरी संविधान की हत्या करेंगे दिन दहाड़े, अगर चुनी हुई सरकारों को जो जनता के वोट से चुनकर आई है कर्नाटक में जिस प्रकार से किया जा रहा है दिन दहाड़े प्रजातंत्र का चीर हरण होगा, तो फिर संविधान और प्रजातंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम भारतीय जनता पार्टी के इस घिनौने षड्यंत्र की निंदा करते हैं और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी को संविधान की वो शपथ उन्होंने जो ली है वो दोबारा उनको याद दिलाते हैं और कहते हैं कि वोट की चोट से आपको जब शिकस्त मिली तो आप उसे हजम करिए और इंतजार करिए 5 साल पूरे हों ताकि कर्नाटक में नए चुनाव हों और फिर दो दो हाथ हो जाएं। जिस प्रकार से आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं, जिस प्रकार से दल बदल कर रहे हैं, ये संविधान की सरासर दिन दहाड़े चीरहरण है और हत्या है जो कदापि हमारे प्रजातंत्र में मंजूर नहीं हो सकता। टू से वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश, आया राम गया राम हैव नाउ अटेन्ड न्यू डेफिनेशन इन इंडिया। द न्यू वर्ड फॉर आया राम गया राम इज MODI, mischievously orchestrated elections in India. Modi ji and Bharatiya Janata Party need to be aware that the Karnataka government, which is a joint government having complete majority under our democratic setup, led by the Congress and the Janata Dal, is now being sought to be pulled down by a spate of defections and resignations. MLAs are being bought in broad daylight. Democracy is being denigrated in broad daylight. Constitution is being trampled in broad daylight in Karnataka by the ruling Bharatiya Janata Party government at the center. Modi ji, you swore by the Constitution of India. If those who swear by the Constitution of India are going to denigrate it, if those who swear by the Constitution of India are going to trample over democracy, if those who swear by the Constitution of India and hold the high office of the Prime Minister and the Home Minister of India are going to abdicate their duty towards the Constitution, there will be no democracy left in this country. We deprecate the efforts of the Bharatiya Janata Party to pry over legislators, to pressurize legislators into resigning in order to bring down an elected government in Karnataka. BJP has started this culture of Ayaram, Gayaram and defections in as many as 12 states of the country.
It all started in Arunachal when an entire government was made to defect twice over. It went to Assam and Manipur.